क्या प्राइस है? 100 रुपये जाना आना ज़्यादा होने की भी ऑर्डर आती है मतलब आगे सवा घंटा और अभी पहुंचने वाले गाड़ी की साइड, वहाँ से ब्लोरो लेंगे, ब्लोरो में बैठ के जाएंगे। रोहित भाई तो बहुत मतलब उन्हें पता ही नहीं, तो कह रहे बंद है रास्ता या कुछ भी, उन्हें सोच रहे हम गलती जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ तक आया था, यहाँ पे हमने पहले होटल बुक किया था इसलिए मुझे पता भी है। और आगे इसी रोड पर मिलेगी गाड़ी और यहीं से नीलकंठ का रास्ता जा रहा है वहाँ से राइट। तो अभी हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, वहाँ से लेंगे। वो तो गाड़ी जो थी वो सारी लोकल के लिए चलने वाली थी, नीलकंठ के लिए हमें जो राइट हैंड पे मुड़ना था वहीं से मिलेगी। तो अभी पैदल जा रहे हैं और इतनी ठंड है नहीं वैसे, अगर आप जल्दी आओगे सुबह के टाइम तो आपको लगेगी। बाकी जब कोहरा हटता रहेगा, दिन खुलता रहेगा वैसे ही, तो सारी चीज़ नॉर्मल होती जाएगी। इतनी नहीं लगेगी बट लगेगी, हाथ में लगेगी। तो ग्लव्स कैरी कर सकते हो आप, मैंने तो नहीं किया, गलती कर ली है। बट रखे तो है ना हमने। हाँ आपने रखे, मैंने नहीं रखे। रोहित भाई ने रख लिया, मैंने कुछ नहीं रखा, मैंने सॉल रखी है कश्मीरी, वो ओढ़ लेंगे, ज़्यादा ठंड लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीलकंठ पे कितनी दूर टाइम लग जाएगा पहुँचने में? गाड़ी से? हाँ गाड़ी से लग जाएगा 1.5 घंटे लग जाएगी। और ये कहाँ उतार देंगे फिर? वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हमें? पता यार, वो उन्हें पता, मैं तो गया नहीं। नहीं आप कभी? तो आप यहाँ लोकल में रहते हो? हाँ रहते हैं। तो आप कभी घूम के नहीं आए वहाँ? क्यों, कभी मन नहीं करा जाने का? इन्हीं के साथ चले जाए करो। ये कई बार घूमे यहाँ के रास्ते पे। अच्छा पैदल तो बहुत दूर पड़ेगा। अच्छा अच्छा ये आ गया, अभी रास्ते पे 100 मीटर चलने के बाद टैक्सी स्टैंड मिल गई। पुलिस टैक्सी ऑनर्स, तो यहाँ से फिर मिल की गाड़ी बुक करेंगे, यहाँ से बुक कर सकते हैं नीलकंठ के लिए ऊपर जाने के लिए। रोहित भाई जाके पूछेंगे, बात करेंगे क्या टिकट है, क्या टिकट के प्राइस है। 100 मीटर पैदल चलने के बाद टैक्सी स्टैंड आ जाता है अपना, यहाँ से भी चेक करेंगे प्राइस क्या है। क्या प्राइस है नीलकंठ के जाने की? 200 रुपये जाना आना जाना और लेके भी आओगे वहाँ से, तो मतलब वहाँ वेट करते कर सकते हैं? 1.25 घंटा खड़ी रहती है गाड़ी, गाड़ी खड़ी रहती है, उसी के साथ वापस रिटर्न मिल जाती है, वहीं पर छोड़ोगे? यहीं पर छोड़ोगे। अच्छा इसको बुक करनी है तो बुक करनी है, आना पड़े वाली गाड़ी 1400 रुपये में जाना आना करती है। अच्छा जाना आना पूरा करेगी फैमिली के साथ? और वैसे शेयरिंग में भी जाती है? शेयरिंग में 200 रुपये सवारी है। 200 रुपये लेना आना जाना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम शिव प्रकाश। ठीक है जी, किसी को नीलकंठ जाना है तो इनसे कॉन्टेक्ट कर लें। यहाँ पे अंकल कितनी दूर है यहाँ से नीलकंठ? नीलकंठ भैया यहाँ से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर। हाँ तो कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में ऊपर? पहुँचने में करीब लग जाएगा आपका 1 घंटा, करीब 1 घंटा करीब लग जाएगा। और वहाँ से कैसे पैदल जाना है फिर आधे रास्ते? नहीं 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 पैदल नहीं, थोड़ा सा आधा किलोमीटर करीब पैदल जाना है, 500 मीटर करीब पैदल जाना है। अच्छा। पार्किंग पे गाड़ी रुकेगी वहाँ से, थोड़ा सा आगे पैदल जाना। और आप हमें वहीं पे मिलोगे? वहीं पे रिटर्न वापस वहीं पे मिलेंगे आपको 1 घंटे के बाद। ठीक है, और वैसे अभी भीड़ है वहाँ पे सुबह के टाइम वैसे? तो अभी आज तो भीड़ होगी क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो आज तो भीड़ होगी इस चक्कर से ना। ठीक, और ये टैक्सी स्टैंड यहाँ से 200 रुपये आना है, 200 रुपये जाना दोनों तरफ से, 200 रुपये में हो जाएगा एक का। बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर तो है नहीं, हम यहाँ से आए।
आगे हम बलोरो से उतर के नीलकंठ पहुँच गए। 25 किलोमीटर में 10 किलोमीटर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ रहे थे रोहित भाई, मेरे को भी लग रहा था कि इतनी देर होगी। हाँ घूम रहे थे ना सारे रोड, वैसे सारे टर्न कट ऐसे थे कि आपको मिलेंगे नहीं। और बैक का व्यू देखो कुछ ऐसा, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ, माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे हैं। और कुछ मेरे वहाँ पे खेती भी हो रही है, फार्मिंग हो रही है। अभी कोई आपने भी तो करी होगी कभी, करी है खेती या नहीं करी? गाँव में गई कभी? नहीं करी। हाँ सच बताओ, घर वाले करते हैं। मैं तो गया हूँ खेत में एक बार, सामान ऐसे काट दिया था कि नानी चिल्ला रही थी। अभी मंदिर 1 किलोमीटर दूर होगा। हाँ 1 किलोमीटर है अभी मंदिर, 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। टैक्सी वालों ने पीछे उतार दिया हमें। टैक्सी वाले भैया बहुत अच्छे थे, कह रहे हैं भैया हमारी वीडियो बना लो, उनकी वीडियो बना ली है, क्लिप में देख लोगे आप भी। और कह रहे हैं कि भैया डाल देना है, कह रहा हूँ कितनी गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी इतनी सारी है। हम सोच रहे थे कि हम जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ी आ रखी हैं। और क्या बताया, ठंड तो नहीं है वैसे ऊपर की साइड, सुबह ही ठंड थी ना। ठंड लग रही है? ठंड नहीं लग रही, देखो लग रहा ठंड नहीं है, नहीं लग रही होगी ऐसा लग रहा। अभी चलेगा ठंड तो नहीं लग रही, सच बता देखो इसको ठंड कहाँ लग रही। लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, सब लोग पहले मंदिर की साइड से ले गए है ना, तभी लोग इस साइड कम दिख रही हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, पर्सनल कार से ले गए। रही तो भाई कह रहे हैं आते समय भंडारे खाएँ, खाना तो खाना ही नहीं है, है ना, क्यों पैसे खर्च करें। गाड़ियों से ही आए, गाड़ी दिख रही है यहाँ पे, 4 हरियाणा से ज़्यादा है, हरियाणा वाले ज़्यादा बांधते लग रहा भोले बाबा को, सारी अचार की गाड़ी लग रही है। हरियाणा क्या, दिल्ली? दिल्ली और हरियाणा ही चमक रही है, ज़्यादा भगत आए हैं हरियाणा से है। रोहित भाई आए बस यूपी से। हेलो हेलो हेलो। और अगर आप डायरेक्ट नीलगंज जा रहे हैं तो अपना सामान आप उनके पास रख सकते हैं, जहाँ पर आप प्रसाद खरीदोगे। अरे गाड़ी में रख लो, जिस गाड़ी से आए हो प्रसाद खरीदोगे वहाँ से भी रख सकते हो, और आप जिस टैक्सी में आए उसमें भी रख दो। लोग बढ़िया हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी, सामान को आपको ईजिली आप रख सकते हो। और कैरी करना है मंदिर तक कैरी कर लो, और जहाँ तक प्रसाद लोगे वहाँ पर रख लेना आप। हमें बेस्ट आइडिया है, अगर आप एक दिन की ट्रिप भी लाए बस दर्शन करके निकलोगे तो आपने होटल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो लिया ही नहीं, हम तो डायरेक्ट जा रहे हैं। और अभी वो चढ़ाई दिख रही है यहाँ से ना भाई, वो नहीं है